चिंतित कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। माने ये मन से हाथ पर भी लिए गए मन से सभी और हमारे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के दो अलग अलग जगहों पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने रविवार को पहुंचकर योजनाओं का सौगात दिया। प्रखंड क्षेत्र के बाबा महादेव मंदिर के प्रांगण में षष्ठम वित्त आयोग योजना अंतर्गत लगभग 20 लाख की लागत से बनने वाली सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार एवं परिसर का सौंदर्यकरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 तक पश्चिमी कोसी नहर से मधुबनी जिले के हर खेत में पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार मधुबनी जिला के जयनगर में 400 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण करवा रही है, जिससे नेपाल से आने वाले पानी एवं बाढ़ से बचाव किया जा सकेगा। लोहा पंचायत के मुखिया राजेश मिश्रा द्वारा जीवछ नदी से सलुइस गेट निर्माण की मांग पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इंजीनियर को भेजकर सलुइस गेट निर्माण की दिशा में पहल किया जाएगा। तकनीकी रुकावट नहीं होगा तो सलुइस गेट का निर्माण किया जाएगा, जिससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। मंत्री ने जल संसाधन विभाग में सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्य की चर्चा करते हुए कहा कि गया के फल्गु नदी में पानी नहीं रहता था, जिससे लोगों को पिंडदान एवं पूजा करने में दिक्कत होती थी। अब फल्गु नदी में 10 फीट पानी उपलब्ध रहता है। उन्होंने कहा कि 2023 तक पूरे मधुबनी में सिंचाई की सुविधा शुरू की जाएगी। कार्यक्रम को लोहा पंचायत मुखिया राजेश मिश्रा ने स्वागत भाषण से किया एवं मंत्री जी को पाग दुपट्टा एवं मधुबनी पेंटिंग से सम्मानित किया। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। अब सब आदमी से आग्रह करब जे माननीय जल संसाधन मंत्री जी के स्वागत करिए जोरदार ताली के साथ, क्योंकि हिंदा से बहुत रास अपेक्षा है हमारा सबके। माननीय आगे कार्यक्रम का आयोजन करता राजेश मिश्रा जी जे मुखिया छथि वहां पंचायत अहा के जिला परिषद का अध्यक्ष मिंटू गुलाब यादव जी बहुत कर्मठ छथि और क्षेत्र के विकास के काज करित रहे छथि। हमरा संगे दरभंगा से चल के आबि रहल छथि हमर सबके पार्टी के जिला का अध्यक्ष गोपाल मंडल जी, हमर सबके जिला का मधुबनी जिला का अध्यक्ष सचेंद्र कामत जी, प्रखंड प्रमुख कलवाही सज्जन सिंह जी, गिरिराज कुमार जी अध्यक्ष चौहार, उदयकांत चौधरी जी जदयू का प्रखंड अध्यक्ष कलवाही, प्रदीप झा जी बेनीपट्टी का प्रखंड अध्यक्ष जदयू का, सुनील यादव जी मुखिया परोर, विभास राय जी पूर्व मुखिया अंग्रेज और इतने पैघ संख्या वहां सब कार्यक्रम में आयल छी। हम पहले माफी मांगे छी हमरे अभी में लेट भग हम तक टाइम पर 3:30 बजे आबि जेतु, लेकिन संयोग भले एक घटना दरभंगा में भगल हा घर पर हमारा जा पड़ल, हमारा एक घंटा समय तो लेट लग गए। एक बाद हमारे दूटा कार्यक्रम और फिर हमारा पटना लौट के जेबा हमारे सबके असेंबली चल रहा है, कल अंतिम दिन छे असेंबली, ते दुआरे हम कहलिए सबके रुकियो दिल्ली हम ही 5 मिनट बात राख रही